युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में शुक्रवार को नया परिषदन भवन में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम व जिला कार्यकारिणी की बैठक की गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रभारी शेष नारायण ओझा एवं झारखंड युवा कांग्रेस के जिला प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज उपस्थित हुए। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा की गई, साथ ही हर बूथ पर संगठन सशक्तिकरण को लेकर एवं जनता के मुद्दों के समाधान को लेकर सकारात्मक पहल करने के निर्देश दिया गया। वहीं आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन सशक्तिकरण और मजबूती पर विशेष जोर दिया गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि जिले में संगठन को सशक्त और मजबूत करने को लेकर आज भी बैठक हुई। बैठक में आम जनता के समस्याओं का समाधान कैसे हो सके और युवाओं को संगठनात्मक गतिविधियों में संगठन से जोड़ने को लेकर चर्चा की गई। कहा कि लोकसभा चुनाव में तानाशाह सरकार, जिसको अब इंडिया के नाम से भी तकलीफ होने लगा है, उसको 2024 में इस देश में उखाड़ फेंकने पर भी चर्चा किया गया। मौके पर प्रदेश युवा कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर सीमा कुमारी, गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शशि शर्मा, अफसर अली, अनुज मिश्रा जिला महासचिव, बंटी अली, पुरुषोत्तम चौधरी, रामानंद कुशवाहा, साकिब अहमद, अयान खान, विनय वर्मा जिला सचिव, इमामुद्दीन अंसारी, रोहित राय समेत विधानसभा व प्रखंड पदाधिकारी मौजूद थे। आज गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के द्वारा नया परिषदन भवन में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम एवं जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रभारी शेष नारायण ओझा जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अभिजीत राज जी उपस्थित हुए और सभी विधानसभा अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष की उपस्थिति में संगठनात्मक चर्चाएँ हुई, संगठन की स्थिति की जानकारी ली गई और सभी को निर्देशित किया गया है कि जनमत की जो भी जनहित की कार्य हैं, जो समस्याएं हैं, उनको समाधान के लिए हर संभव पहल और प्रयास करना है और अधिक से अधिक समय जनता के कार्यों में अपना देना है और हम लोगों का हर बूथ पे संगठन हो और मजबूती के साथ हम लोग अपने संगठन को गिरिडीह में बेहतर बनाने का काम करें। इन तमाम राजनीतिक दृष्टिकोण से चर्चा हुई और हम समझते हैं कि आने वाला समय गिरिडीह पूरे प्रदेश में बेहतर करेगा। और आज गिरिडीह जिला कार्यकारिणी की बैठक गिरिडीह के सर्किट हाउस में आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर चर्चा हुई। पहला, संगठन को मजबूत करने के लिए प्रखंड लेवल तक की कमेटियां गठित करना। दूसरा, अपने को बूथ स्तर पर जाकर के हर बूथ पर 5-5 युवाओं की टीम खड़ी करनी है। तीसरा, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर के, चाहे वो नदी नाली की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे पानी की हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, स्कॉलरशिप का इशू हो, चाहे आवास का इशू हो, उन सारे इशूज़ को लेकर के हमारे कार्यकर्ता उन लोगों के बीच में जाएंगे। उनकी समस्याएं अगर हैं तो उसको निवारण कराने के लिए वो काम करेंगे। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज ये बैठक की गई थी और आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हमारा संगठन हर बूथ पर खड़ा होगा और हर बूथ का कार्यकर्ता अपने आप को मजबूत और सशक्त महसूस करेगा। उस प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने कार्यकारिणी बैठक की और वो बेहतर तरीके से संपन्न हुआ। धन्यवाद। आज गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक थी जिला अध्यक्ष हसनैन जी के नेतृत्व में और इस प्रदेश के हमारे प्रभारी शेष नारायण ओझा जी मुख्य रूप से मौजूद थे और लगातार, चाहे नगर प्रखंड की बात हो, विधानसभा का बात हो या जिला के अंदर में जो भी समस्या है उसका समाधान संगठनात्मक रूप से हम लोग कैसे लोगों को, उस व्यक्ति को तख्ता पलट किया जाए, उनको हटाया जाए। 13% शिक्षा में जो है महंगाई बढ़ चुका है, 37% राशन खाद्य आपूर्ति में महंगाई बढ़ चुका है, कि पेट्रोल डीजल का जो है आसमान छू रहा है, देश का विकास का गति जो है लगातार रुकता जा रहा है और चंद उद्योगपति के हाथ में देश के सत्ता को बेचने का और देने का प्रयास मोदी जी लगातार और भाजपा की सरकार कर रही है। उन सभी मुद्दों को लेकर हम संकल्पित हैं और उसी को लेकर हम आम लोगों के बीच में जा रहे हैं,
उसका जो भी समस्या है उसका राज्य सरकार से जो भी समाधान हो सके उसको लेके हम लोग एक पुल का काम कर रहे हैं उनकी जनता और हमारे बीच में। वीडियो सीओ के यहाँ भी जो भी शिकायत मिल रहा है वीडियो सीओ को हम लोग समझा रहे हैं कि या तो आप जनता का काम कीजिए या आपका यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। तो बहुत सारा मुद्दा है जिसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस सबसे सशक्त होकर आने वाला वक्त में निकलेगा। धन्यवाद।